गाड़ी साइड में। आ जा तू जानू इधर आ जा, आ जा इधर आ जा। दीदी या तो तू चुप बैठ या इसके मुंह पे लगा दो दुपट्टा। नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई एम गोपाली एंड ब्लॉगिंग टुडे को लाइक जस्ट लव ब्लॉगिंग। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है। हम लोग जा रहे हैं जानवी के रूम के लिए बाथटब। इतने अमीर लोगों के हमें अमीर अमीर काम करने का मौका मिल रहा है भाई। मैडम अकेली है हमारे पूरे घर में जिनके रूम में बाथटब लग रहा है। जितना बड़ा इनका रूम है उतना बड़ा हमारा क्या बोला सही बोला जितना जितना बड़ा इसका बाथरूम है उतने में बस हमारा कमरा निकल के आ पाता है भाई बड़े लोग। ऑल्सो गाइस हम जब शिफ्ट होंगे उससे पहले हम आपको ये प्रेजेंट वाले घर का हाउस टूर दे देंगे जरूर। और नए घर को अभी बनने में 4-5 महीने हैं। So yeah, तब तक हम चीजें वीजे थोड़ी फाइनल कर लेते हैं। आई एम सो एक्साइटेड। सो या मेरा है एक्साइटमेंट इससे है क्योंकि ये मेरे बाथटब में आने वाली है। मेरी होगी पिटाई। सो लेट्स पिटाई क्या होगी, कितना जोड़ी तो कपड़े बदल चुके हैं, ये जरूर डालना है इसमें। मतलब ये उतारे ये फेंक दिए, ये निकाला ये फेंक दिया। अच्छा सॉरी सॉरी कैसे, लेट्स गो। यू नो व्हाट गाइस, अभी ना हमारे घर में एक ही ड्रेसिंग टेबल है, हम सारे इकट्ठे होके एक ही जगह तैयार होते हैं तो हमारी हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है। ये शीशा हटाओ, ये शीशा मैं यूज करूंगी। हम नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो सब लोग अपने अपने घर रूम से घर के मजा नहीं आएगा है ना भाई। ना अभी हमारी आदत है हम यही खड़े रहते हैं, मैं जानवी को धक्का मारूंगी हट मैं तैयार हूँगी। ड्राइव करना क्या बेटा, पैसे सीखोगे प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे सीखोगे आप। मेरे को चलाने में बिल्कुल मजा नहीं आती था। मैंने तुझे इतने साल ढोहा है अपने साथ, यही होता है मम्मी बुढ़ापे में ना नहीं देगी है मेरा साथ। 7 साल इस लड़की को अपने साथ ढोहा है, ढोहा है ढोहा मतलब ढोया है अपने साथ। 7 साल इसको अपने साथ ढोया है। ये आज इसको बोला मैंने बहन तू गाड़ी चला, क्योंकि तू ऐसे ही सीखेगी। गिर पड़ के ही आप मजबूत हो गए, गिरोगे पड़ोगे आगे बढ़ोगे। मैं आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। बकवास मत कर, उतार दूंगी मैं आपको आगे। तू उतार नहीं सकती, गाड़ी मेरी है। चलो ओके लेट्स गो। ओहो हो, डू यू हैव गॉगल्स? आई एक्चुअली नीड गॉग्स। गॉग्स क्या होता है? आई नीड गॉग्स ब्रो, गॉग्स यू नो द थिंग व्हिच विल सेव माय आईज फ्रॉम दिस डार्क हार्श रेज। डू वी हैव गॉग्स ब्रो? This is how actually जानवी behaves जब वो यहाँ पे बैठती है। तो bro मैं गाना तेरे को सुनाती हूँ, क्या डोप गाना सुनाती हूँ मैं तुझे। और इतना रद्दी भाई आज बेकार गाना बजा रही थी, डोप कह रही थी, डोप के नाम पे। दीदी मैं इतनी बकवास नहीं करती जितनी तू कर रही है आवाज में, और मुझे सहन नहीं हो रही है। और ना मम्मी मम्मी आपको पता है ना, ये तो चली जाती है नाइट आउट करने और आपको छोड़ छाड़ के, मैं ही आपका साथ देती हूँ। मुझे ब्लैकमेल करना चाहिए। नहीं ब्लैकमेल नहीं मम्मी, ये तो अभी फिर चली जाएगी बड़ौदा पढ़ने, फिर पता नहीं और कहाँ कहाँ जाए पढ़ने। मम्मी कोई मिले ना तो मास्क बांटने के काम आएगा। मेरी मम्मी को कोई भी मिले बेटा मास्क लगा लो, बेटा मास्क पहन लो, खुद ऐसे मास्क रख के बेटा मास्क पहन लो। ओहो गाइस, जानवी के जीवन में एक बहुत बड़ा हर्डल आते हुए सामने, बहुत ये हवाई जहाज क्यों आ गया यहाँ पे? अरे पागलपंती नहीं दे रहे हो गोकू? मुझे ना एक्चुअली मम्मी भूख लगी, मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए मैं पागलपंती दे रही हूँ। बट भैया कहाँ मिलेंगे आप? मड़ी जैसे ओके सारू तो मैं पहुंची छी। बाथटब जोवा मड़शे, तुमने जोवा छे तो अभी जो हमारी साथ है। ऐसे करती है इतनी बकवास? ऐसे ऐसे बता, ऐसे करती हूँ इतनी बकवास ऐसे। ये देख, ये दिख रहा है बकवास? ये देख बकवास कमिंग आउट, ये देख बकवास। अच्छा मुझे चुप हो जाना चाहिए वरना ये दोनों लोग मुझे ताप्ती में धक्का मार देंगे आगे आने वाली है। गाइस ये लोग मुझे ताप्ती वाप्ती में फेंके। उससे पहले मैंने ना कुछ एक दो क्लिप्स ली थी पहले जब मैं थोड़ा इधर उधर गई थी, तो अब वो देख लो फिर आ जाओ, फिर हम साथ मिलके चलते हैं। मैं तेरे हाथ ना आनी तारे पेंटिंग स्टेशनरी वेशनरी का इस्तेमाल लेने के लिए मेरी नई हेयर स्टाइल के साथ, लाइक आर्टिस्टी सा फील हो रहा है। ओह लॉल, मैंने ना आर्ट के नाम पे एआरटी आर्ट की स्पेलिंग नहीं आती होगी तुझे। आए ना अपने
इसको लर्निंग तो दे दिया है, जब भी पक्का लाइसेंस लेने आया है मस्त मिलेगा मेरे को। आटे वालों मैं बता रही हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इसको लाइसेंस ना दिया जाए। प्रोजेक्ट बना हुआ है जानवी, जानवी डू यू रिमेम्बर हमने थर्मोकोल से कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, मैंने पूरा घर बनाया थर्मोकोल से। आई रिमेम्बर पेंसिल कलर, क्रेयॉन्स कलर और पेंटिंग कलर चाहिए प्लीज मम्मी। मम्मी प्लीज, पता है मैं ना कलर तोड़ देती थी और मम्मी मुझे तोड़ती थी फिर। अच्छे से याद है कोई बच्चा नहीं था, वो भी बात सही है, पर मैंने बहुत कलर तोड़े, मुझे अलग ही मजा आता था कलर तोड़ने में। और पता है मैं इतनी दुष्ट बच्ची थी, अपने कलर तो तोड़े ही तोड़े, मेरे आजू बाजू जो बच्चे बैठते थे उनके भी तोड़े, और जाने मेरे टूटे तो लाइक इसके टूटे तो दूसरे के भी टूटने चाहिए। हाँ मैं क्यों अकेली दुख झेलूं। ये देख, और बहुत सारी चीजें ली है, मैं बहुत खर्चीली हूँ, जो चीज नहीं चाहिए होती है ना वो भी मैं खरीद लेती हूँ। बट पता मेरा भी सेम तेरे जैसे आता है, आई डेफिनेटली रिकमेंड यू यूजिंग पेंसिल एंड कार्ड। तो लाइक ये मेरा कार्ड है, मैं नंबर वंबर नहीं दिखा रही हूँ, ये ना स्पेसिफिकली टीनेजर्स और किड्स के लिए बना हुआ है, तो तू तेरे फ्रेंड्स और आप भी सारे टीनेजर्स, यू गाइस कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। जो पहले तुझे पता मैं हिसाब किताब लेके बैठा करती थी, कैटेगरी वाइज एनालिसिस हैज मेड एवरीथिंग सो कन्वीनियंट एंड सो इजी, कुछ हिसाब किताब लिखा पढ़ी का झमेला ही नहीं। द बेस्ट थिंग इज यू कैन गेट योर ओन फिजिकल डेबिट कार्ड, तो ये ना एक काफी अच्छा फील हो जाता है स्टार्टिंग में, आप सीखने लग जाते हो कि हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस एंड ऑल। सो दिस इज लाइक बेसिकली अ स्टार्टिंग फेज ऑफ योर अडल्टिंग, एनी टीनेजर कैन साइन अप ऑन दिस ऐप एंड कैन ऐड देयर पेरेंट्स एंड दे कैन गेट देयर ओन फिजिकल कार्ड। और ना बेस्ट चीज ये है इसकी कि आपको ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा ओटीपी वगैरह मांगने के लिए। जानवी के साथ ये बहुत बार होता था पहले, उसको बार बार फोन करके हम सबसे ओटीपी मांगना पड़ता था, बट अगर आप टीनेजर हो और आपके पास ही कार्ड है तो आप ही के नंबर पे इजीली ओटीपी वगैरह आएगा, काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, पेरेंट्स भी डिस्टर्ब नहीं होंगे ये वाले पूरे प्रोसेस से। सो दोनों के लिए इट इज गुड। पेरेंट्स कैन ऑल्सो गिव योर पॉकेट मनी इन दिस पेंसिल कार्ड, तो वो दोनों लोगों के लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। एंड इवन अगर आप एक पेरेंट हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने बच्चों को पेंसिल कार्ड यूज करना सिखाओ, आप लोगों के लिए भी काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। दे आर नॉट सो गुड एट सेविंग्स, बट इनका जो फीचर है पिगी बैंक का फीचर, वो काफी ज्यादा हेल्प करता है, ऐसे वो कितना बूंद बूंद से घड़ा भरता है उस टाइप का। तो राइट नाउ आई एम सेविंग फॉर माई न्यू लैपटॉप एंड आई विश मैं जल्दी से वो पिगी बैंक भर जाए, आई कैन बाई अ न्यू लैपटॉप। आपको ना काफी अर्ली एज से काफी प्रो बना देता है आपका फाइनेंस वगैरह मैनेज करने के लिए, तो लाइक मुझे तो ये कार्ड नहीं मिल पाता इतने अर्ली, बट अगर आप एक टीनेजर हो तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। कूपन कोड यूज कर सकते हो और इस कोड के थ्रू आपको ये जो पेंसिल कार्ड है ये सिर्फ रुपीज वन में मिलेगा, नॉर्मली 500 रुपीज का मिलता है, बट डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और ये कूपन कोड यूज करिए और 1 रुपए में आपको पेंसिल कार्ड मिल जाएगा, जिससे आप बहुत सारी चीजें सीख पाओगे, बहुत ज्यादा हैसल फ्री हो जाएगी आपकी लाइफ और आपके पेरेंट्स की लाइफ भी। सो या आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस ट्राइंग दिस आउट। एंड ऑल्सो जो आपके रिश्तेदार वगैरह आपको पैसे देके जाते हैं ना, जो नॉर्मली हमारे मम्मी पापा मार लेते हैं, वो भी आप ही के पास रहेंगे, हमारा पैसा हमारे पास रहना चाहिए। सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड माई गॉग्स। मम्मी अभी तेरे को चप्पल मारेगी चेहरे। अरे बेटा ये आगे देख रहा हूँ, दिख रहा है मेरे को, चुप रहे। नहीं जैसे गाड़ी चलाते हैं लगता नहीं आपको दिख रहा है कुछ नहीं। जानवी इज अ गुड ड्राइवर। ओ शिट, 19 मिनट का रास्ता है अभी, बोलो हम क्या करें। मुझे आगे आने दो और इसको दो चप्पल। मम्मी ओ बेटा जी, फालतू की आवाज मत निकाल समझी, तू कौन है मेरा पैसा देने वाला, मेरी गाड़ी मुझे जितनी छोटी होनी चाहिए उतनी बड़ी होनी चाहिए। मैं लगा रही हूं तू बहुत बकवास कर रही है और मुझसे ये सब झेला नहीं जा रहा है, या तो तेरी गाड़ी साइड में आ जा, तू जा इधर आ जा, दीदी या तो तू चुप बैठ या इसके मुंह पे लगा दो दुपट्टा, बांध यार कोई, पीछे जाके मैं बोल नहीं पाऊंगी। ये दोनों माँ बेटी मिलके मुझे बुली करते हैं, ये दोनों माँ बेटी मिलके। चलो जानवी, मुझे पता है मैं मैगी ज्यादा खाती हूँ तो मैं मैगी ज्यादा खरीदती हूँ, इसे पता है ये जूते ज्यादा खाती है इसलिए जूते ज्यादा खरीदती है। वाह गोपाली वाह, क्या डीप बात बोली है भाई साहब। चलो हम पता नहीं कहाँ आ गए, जीपीएस में कहाँ ले रुक जाओ, अंकल से पूछना क्या बेकार जीपीएस को ना, मेरे को थोड़ी तो थप्पड़े भी पड़नी चाहिए। कैसे काटेगी? अरे बेटा इसीलिए हम बड़े बड़े हैं और छोटे छोटे हैं। पता है ये डायलॉग ना मुझे इतने बार बड़े लोगों ने मारा है ना, मैं वेट कर रही थी मैं कब किसी पे मार पाऊंगी। लेट्स गो गाइस।
गाइस देयर सो मेनी ऑप्शंस गाइस आई हैव नेवर यूज्ड जकूजी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हैव यू गाइस एवर यूज्ड इट एंड हाउ डज इट फील सो लाइक शुड वी पुट एक्स्ट्रा मनी ओनली फॉर ये थोड़े बहुत शावर आर या वो सीधा ऐसे ही ले लेते हैं लुक्स गुड You'll be just sitting here then. बाहर निकल ऐसा लग रहा है मजे से यहीं बैठ गए चांदी सो कंफ्यूज गोइंग टू द सेकंड शॉप देखते हैं हमें यहाँ पे बैठकर मिलता है या नहीं लेना है ना इसलिए आ रहे मैम ड्रॉपिंग लिपस्टिक्स एवरीवेयर इन दैट कहीं एयरपोर्ट निकल के गिरेंगे कहीं पे पागलों जैसे काम करते हैं सॉरी मम्मी पापा आप कुछ कहना चाहेंगे ये लोग खाने के बाद आइसक्रीम खाना चाहते हैं अकल बंद है ये लोग अकल बंद है सही बात है पापा आंटी को किसी ने कितने सारे हार्ट दिए हैं मेरी मम्मी के लिए किसी ने बहुत अच्छा सा कमेंट लिखा है वेरी क्विट गुड मॉर्निंग यू गाइस गुड मॉर्निंग मम्मा मम्मी ना कुछ तो नए तरीके का ब्रेकफास्ट बना रही है नॉट भाकरी समथिंग न्यू मम्मी ना मेरे साथ वो मास्टर शेफ का गेम खेल रही है चक्के बताइए इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए गाइस टाइल्स लगने का काम चालू हो चुका है ये टाइल्स के लिए सब बिछाया जा रहा है हेलो गाइज ऐसा लग रहा है मैं सीधा बाथरूम से निकल के मेरी गाड़ी में बैठ गई हूँ बिकॉज हाँ वही सच है मुझे इतना ज़्यादा लेट हो रहा था तो आज संडे और बड़े पापा आए हुए हैं तो हमारा जो काम काज चल रहा है तो वहाँ पे मुझे जाना है और मैं बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ क्योंकि मैं सुबह उठती लेट हूँ फिर मैं ऐसे स्लो 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 काम करती हूँ तो अब मैं फटाफट निकल गई हूँ लंच वगैरह लेके हमारा मैं और बड़े पापा हम लोग वहाँ आराम से लंच वंच करेंगे काम वाम करेंगे और मेरी गाड़ी का टायर मुझे लगता है पंचर हो चुका है तो मुझे वैसे ही लेट हो रहा है तो मम्मी कुछ कहावत बोलती है करेला ऊपर से नीम चढ़ा ऊपर से करेला लाइक समथिंग लाइक दैट तो फिर वही वाली हालत हो गई है तो अब मैं फटाफट पहले हवा भी भरवा लेती हूँ गाड़ी में अरे 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 बाप रे इतना बड़ा ट्रेलर लगा हुआ है भाई इनकी गाड़ी में जब तक हवा भरेगी तब तक तो मेरी हवा निकल जाएगी भैया enjoyed watching this vlog and if you did so like karke jana share karke jana subscribe kar dena and yes do check out pencil card link in the description box काफी interesting चीज है and I'm gonna meet you in my next one tab tak bye bye take care bye and thank you so much for all your love and support I'm always and always grateful to you guys ta ta